इंडिया का सम्मान करेगा, लोगों का सम्मान करेगा तो हम उससे बात करेंगे। यहाँ अगर वो अपने भगवान समझता है तो हम लोग उससे महाभगवान है, क्योंकि इस देश का भगवान जनता ही है। वो अपने आप को समझते हैं भगवान है, और भगवान हम उनको नहीं मानते। सीधी सी बात ठीक है। बाकी आप लोग हमारा ये कहना है कि माइक ले लीजिएगा, लेना नहीं माइक की आवश्यकता नहीं। मेरा ये कहना है कि आप लोग जो भी ज्ञापन दिए थे उसके संबंध में जो भी आपकी मांग है ठीक है। अभी यहाँ पे मैं गया था, इसीलिए गया था भाई, आप लोग धूप में बहुत देर से बैठे हुए हैं तो बातचीत किया जाए भाई। कोई जो भी यहाँ पे है ठीक है, आपको चंद्रा को बुलवाना है ठीक है, ये शुक्ला जी हैं एचआर हैं, जो भी डेटा वेटा आप मांग रहे हैं एचआर इनके किसी काम के नहीं है ठीक है। वो एकदम नहीं है, हम जानते हैं लोगों को, ये हम मिलने आए तो एचआर का मतलब क्या होता है साहब? एचआर का मतलब है ह्यूमन रिलेशंस को, ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करना, ह्यूमन रिसोर्स को क्या वो करना। ये लोग क्या है, छुप जाते हैं, जाके अंदर घुस जाते हैं टेबल के नीचे, ये क्या बात करेंगे? ना अगर ये मिले होते तो ये सब करने नहीं पड़ता। पीछे नहीं मिल पाए, आज अपनी बात रखने आए हैं। आप बात रखना चाहते हैं, आपकी बात सुन लेंगे। आपकी जो भी मांग है तो उनका सुन लीजिए, कम से कम जब आए हैं ठीक है। आपका जो भी इशू है वो ठीक है, लेकिन कम से कम इनकी भी बात आप सुन लीजिए, जो भी आपका है बताए। बिल्कुल आपकी बात हम सुनेंगे, अच्छा सब लोग शांति बनाइए, हिंदी में आएंगे सब सुनाई देगा। बोलने क्या है, दो मिनट बोलने दीजिए। उसमें जो है एनसीएल द्वारा ये जो पांच गांव हमारे इसमें बताया गया कि यहाँ पे मतलब स्थापित है, आपका पढ़री हो गया, सोलंग पंचायत हो गया, नौरिया और मुहेर, ये चार ही हुए, और महदैया, ये पांच गांव जो है बीच स्थापित में। तो इनका जो है ये हुआ कि इनको कैसे मतलब यहाँ पे रिकॉर्ड किया जाए, तो एनसीएल में जो भी विस्थापित थे उन लोगों का रिकॉर्ड ये हुआ कि सरपंच से सर्टिफाई करा के और वहाँ पे एनसीएल में सबमिट करेंगे और एनसीएल से भी वेरीफाई होके और फिर इसके बाद यहाँ लिस्ट आती है, तो उसी हिसाब से हमने जो है इनको जो है रिक्रूट किया है। एक मिनट इस पे हम कुछ बोल दे, एक मिनट की पूरी बात रख लेंगे तब आप बोलेंगे। इसमें ये सब जो है रिकॉर्ड जो है अनरिकॉर्डेड है, वो एनसीएल से पूरा होके इसमें नोडल अधिकारी और स्टाफ अधिकारी खनन जो प्लस सरपंच पूरे जितने ये पांचों गांव जो स्थापित है उनका सर्टिफाई होके हमारे पास है और उनका पूरा रिज्यूम लग के यहाँ पे आता है। तो हमारे पास जो भी मतलब यहाँ पे है अनस्किल्ड वर्कर में जो भी जगह है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ रिक्रूट किए। और नोडल अधिकारी ने लिख कर दिया था हमको कंपनी में, क्यों हिसाब से अभी तक एनसीएल ने हमको जो है 55 लोगों का जो है यहाँ पे अपना लेटर मतलब एक जैसे सर्टिफाई करके काफी स्थापित वाली प्लस अपनी फॉरवर्डिंग लगा के यहाँ पे 55 लोगों को दिए हैं, जिसमें 44 को मैंने यहाँ रिक्रूट कर दिया और 11 लोगों का अंडर प्रोसेस में। मतलब शुक्ला जी के कहने का मतलब सुनिए, एक मिनट नहीं सुनिए ना शुक्ला, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। माननीय शुक्ला जी ने कहा कि अभी इन चार ग्राम पंचायतों में मिला के मतलब लगभग 10,000 की आबादी में 55 लोग यहाँ के विस्थापित हैं। नहीं विस्थापित अभी सुनने दीजिए ना, उनकी बात सुन लीजिए, अपनी बात रखा जाए। टोटल हमारा जो अभी मेन पावर यहाँ 378 तक पहुँच गया है, जिसमें से 378 में 248 आपके मध्य प्रदेश के, हमने टोटल मध्य प्रदेश नहीं सिंगरौली टोटल है 378 में जो है 248 जो है हमने पूरा मध्य प्रदेश का रखा है। टोटल मैन पावर का 66% होता है, 34% पूरे इंडिया के जो भी, ये हो गया टोटल मैन पावर का। दूसरा जो है जैसे 248 टोटल मध्य प्रदेश का हुआ, इसमें से सिंगरौली जिले के हमने टोटल 155 लोगों को रखा है जो
टोटल मध्य प्रदेश का 62% है और सीधी का हमने 70 आदमी रखा है जो क्योंकि संसदीय क्षेत्र है सीधी को भी हमने जो है सीधी के है मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ थोड़ा सा सुन लीजिए पहले उनको बात सुन लीजिए अपन बात अपनी रखेंगे अपनी बात हम लोग रखेंगे और आप चिंता न करिए वही रखा जाएगा सब लोग बोलिए हम मंगाए हैं और सारी मंगाए हैं सब लोग बैठ जाइए हेलो हेलो बड़ा दूर दूर तक बैठ जाइए सभी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और जो जैसा मास्क लगा लीजिए जिसके पास है नहीं है तो गमछा बांध लीजिए रुमाल कुछ मुंह में लगा लीजिए ठीक है अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है बीमारी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी है इसलिए आप सबसे हमारा निवेदन है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करिए और गमछा भी लगा लीजिए ठीक है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए नीलकंठ कंपनी का घेराव चल रहा है यहाँ के जो युवा बेरोजगार हैं विस्थापित हैं सभी लोग अपने हुजूम नीलकंठ कंपनी के जो गेट है उसके समीप बैठे हुए हैं और उनकी यह मांग है कि यहाँ के युवाओं को यहाँ विस्थापितों को बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हमारे लोग आ रहे थे जिस तरीके से युवा बेरोजगार यहाँ पहुंच रहे थे उनको कंपनी प्रबंधन और प्रशासन एनसीएल प्रशासन ने मिल करके रोकने का काम किया गया है। हर जगह 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 खड्डे खुदवाए गए हैं गाड़ियां बहुत दूर तक रोक दी गई है दो टू व्हीलर भी लोगों के हमारे टू व्हीलर तक अंदर नहीं आने दिया गया है। कई किलोमीटर कम से कम ना कुछ तो 3-4 किलोमीटर लोग पैदल चल चल के यहाँ कंपनी के पास पहुंचे इसके बावजूद भी उनका कोई उत्साह कम होने नहीं हो रहा है और यह अनिश्चितकालीन हड़ताल चलेगी जब तक कि इन युवाओं की विस्थापितों की बेरोजगारों की बात कंपनी प्रबंधन मान नहीं लेता है और ये लड़ाई अनवरत चलती रहेगी। चूंकि अनिश्चितकालीन हड़ताल है हम लोगों ने कंपनी का प्रोडक्शन भी रोक दिया है और नीलकंठ कंपनी का कैंप भी रोक दिया है। इसी के साथ हमारे सब भारत माता की बस वो हम लोग बिल्कुल बात की जाएगी जो हम लोग धरना जब हम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तो वो नोटिस दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग दबाव बना देंगे तो एनसीएल उखड़ जाएगा और कम से कम 250 कमरा है तो भाड़ा पर चलाते हैं माइनस हाँ माइनस बहुत भरे चाहिए अब वो तो खैर ठीक है चलिए उसको बाद में देखा जाएगा लेकिन देखा सब कुछ ये अभी देखो क्या है कि ये कोरोना का सीजन है इसको हम व्हाट्सएप कर देंगे कहाँ पर व्हाट्सएप उनको भेज देंगे तो पहुंच जाएगा आप लोगों का लेकिन ये मेरे पास रहेगा ठीक है अब मेरे पास नहीं रहेगा तो हम कैसे जानेंगे कितने लोगों का ऐसा हुआ साहब का भी है हाँ तो मेरे पास रहेगा तभी ना हम जानेंगे कि साहब ने क्या जमा किए हैं ठीक है तो उनको पता चल जाएगा तो ठीक है भैया अब हम लोग अभी आपके कहने पर आप लोग आए तो आपके कहने पर आप लोगों ने इतना कष्ट किया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपके कहने पर हम लोग धरना खत्म कर रहे हैं धन्यवाद लेकिन ये अस्थगित धरना है 10 दिन के लिए अस्थायी रूप से अस्थगित धरना है केवल 10 डेज जब तक कि एक मिनट हाँ चालू करो थोड़ा बता दे लोगों को हेलो चालू करो भर्ती नहीं होना चाहिए भर्ती रोकना चाहिए प्रोफेशनल पॉलिटिशियन देखिए सब लेके चलते हैं बहुत बढ़िया फॉर्म भर के रखे हुए हैं हेलो और कंपनी का जीएम नहीं है सर हेलो चालू करो हेलो बैटरी डाउन चलती है बैटरी डाउन हो गई साथियों में जो हमारी और माननीय अधिकारियों से बात हुई है वो इन लोगों ने अधिकतम 10 दिन अधिकतम का मतलब ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा 10 दिन उसके पहले भी जांच पड़ताल करके मामले को खत्म कर सकते हैं जो आरोप हम लोगों ने लगाया है उसकी जांच तो करनी पड़ेगी क्योंकि सजा देने के पहले किसी की जांच तो करनी पड़ती है ऐसे ये लोग भी नहीं कुछ कर सकते तो हमने 10 दिन का समय दिया है और इन लोगों ने हम लोगों की बात जो जिन मुद्दों को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं उसका पूरी तरीके से पालन करवाने की बात कह रहे हैं जाँच के बाद
अगर जो भी अनियमितता होगी उसको पूरा ठीक करके और आप लोगों को जॉब दिलाया जाएगा। 10 दिन का समय मांगे, इसलिए 10 दिन के लिए ये धरना प्रदर्शन स्थगित किया जा रहा है, खत्म नहीं किया जा रहा है। 10 दिन बाद हम लोग बिना सूचना दिए यहीं आएंगे, आप लोगों को सूचना मिलेगी। ठीक है? ठीक है, ठीक है कि नहीं? ठीक है, ठीक है। जोर से बोलो ठीक है। तो भारत माता की जय, भारत माता की जय। मैं तुम्हें जोन बोलो भास्कर भैया, सब तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अरे उससे बातें कौन करेगा यार, फालतू लोगों से। एक बार सबको डिस्पर्स होने को आप बोल दे। मैं बोल दे रहा हूँ। हेलो हेलो, काहे बंद कर दे हो? हेलो, ऐसा है कि सभी लोग अभी शांतिपूर्ण तरीके से अपने अपने घर जाएंगे, ठीक है? ठीक है। और ये जो गांव वाइज गांव, आप लोगों का जो विस्थापित ये कार्ड है, तो या तो हम आएंगे आप लोग के यहाँ लेने, या तो यहाँ आपके यहाँ हर गाँव में एक एक आदमी को नियुक्त करेंगे, उनके माध्यम से हमारे पास। हालांकि हम खुद ही आएंगे, ये सब लोगों को इकट्ठा कर लेंगे हम लोग। अब फिर 10 दिन बाद जो साहब की जांच रिपोर्ट आएगी, जो ये लोग कार्रवाई करेंगे, उस पूरे इस पूरे क्या कहते हैं विस्थापित कार्ड के साथ, आप लोगों कागज के साथ इनसे मिलेंगे, और उस दिन सब जो भी होगा दूध का दूध पानी का पानी होगा। ठीक है? दिक्कत किसी को? इस बीच में आपको कोई भ्रम आए, धर्म आए, तो आप लोगों को भ्रमित नहीं होना है, थोड़ा धैर्य रखना है। उसके पहले हमने साहब से बोल दिया है कि विस्थापितों के अतिरिक्त किसी को बाहरी आदमी को नौकरी नहीं मिले। एचआर साहब भी आप भी सुन रहे हैं शुक्ला जी, अगर कान खोल के सुन रहे, कान खोल के तो सुनी रहे, बिना कान खोले कैसे सुने? सुनिए सुनिए सुनिए। और अगर इस बीच में इन लोगों ने किसी बाहरी शहरी को या ऐसा पैसा लेकर के रखा, सूचना मिली, तो हम टीआई साहब के सामने ही बता रहे हैं कि हम लोग ये जो है सारा समझौता मंझौता छोड़ छाड़ देंगे। हम लोगों को जो हो सकेगा करेंगे, और वो कुछ भी हो सकता है, ये भी बता रहा हूँ, उग्र भी होगा तो भी। धन्यवाद। चलिए भाई, चलिए चलिए, देखे नचना हमारा बाटा जा रहा है। कागज पाले नहीं, दूरी दूरी वालों कर लेंगे।